हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में। मोदी नगर जो जगह है यहाँ पर सीकरी गांव है। सीकरी गांव में एक मंदिर है। सीकरी गांव के जो मंदिर है महामाया के नाम से मंदिर है सीकरी गांव के अंदर, और जो वहाँ की महामाया माता जो है वो अंदर विराजमान है। हम आपको लेके चलते हैं, पुजारी से बात करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का सीकरी मंदिर। अब हम सीकरी वाले मंदिर में बिल्कुल अंदर प्रवेश कर चुके हैं और हमारे साथ हैं यहाँ पर जो सेवादार हैं पंडित जी। हम उनसे बात करेंगे कि उन सबसे पहले उनका नाम पूछेंगे, वो कब से सेवा कर रहे हैं ये पूछेंगे। क्या नाम है आपका? गुरु, मेरा नाम रिंकू है जी। रिंकू जी, आप कब से सेवा कर रहे हैं? मैं तकरीबन 4-5 साल से सेवा कर रहा हूँ माता रानी के। यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर जो कब मेला लगता है? यहाँ पे हर साल चैत के नवरात्रों में मेला लगता है, जो होली के बाद आते हैं चैत के नवरात्रे, उसमें मेला लगता है। अच्छा, यहाँ पर जो मूर्ति है, यहाँ पर कौन सी माता की मूर्ति का स्थापना है? ये प्राचीन महामाया है, जो ये आप देख रहे हो ना, ये आले के अंदर जो ये माता है ये महामाया है, ये प्राचीन है माता है ये जी। अच्छा, जो ये जो यहाँ पर इसकी प्रसिद्धता क्या है, यहाँ पर इतने दूर दूर से लोग बाग आते हैं मंदिर में, तो इस पर जो इतना प्रसिद्ध क्या है यहाँ पर? यहाँ पे ये प्रसिद्ध जो आप ये पेड़ देख रहे हो ना, ये पेड़ है, ये यहाँ पे जो बरगद का पेड़ है, ये पेड़ मैन प्रसिद्ध है, और ये माता है, इनके साथ माता काली चलती है। तो यहाँ पे जो लोग बाग दूर दूर से आते हैं, माता को हलवा पूरी का प्रसाद चढ़ाते हैं, जोत बत्ती जलाते हैं, उसके साथ माता काली पे भेंट पूजा चढ़ती है। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, जैसे आप गुड़गांव में जाते हो तो वहाँ पे शीतला माता बोलते हैं ना, उसी का स्वरूप मान लो ये। तो ये माता है महामाया के नाम से प्रसिद्ध है, ये गाँव का नाम सीकरी है, तो इसलिए महामाया सीकरी माता कहते हैं इसको। अच्छा, आपने यहाँ पर पंडित जी सुना है कि यहाँ पर जो महामाया माता मंदिर में आता है और जो माता से मांगता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है, ये कितना समय पूरी होती है और क्या क्या यहाँ से लोग बाग दुआ मांग के गए और फिर दोबारा वापसी आकर उन्होंने क्या क्या जो अपने मुराद पूरी होने के बाद किस तरह से खुशी जताते हैं? वे अभी मेरे हाल ही के आगे मेरे आने के बाद 2-3 साल पहले बात है, एक लेडीज़ थी, उसको 18 साल से बच्चा नहीं था, वो मैंने बोला उसको माता रानी के यहाँ पे आप कलावा बांध दीजिए, उसने यहाँ पे कलावा बांधा माता रानी की कृपा से, उसके यहाँ पे 1 साल बाद 2 लड़के हुए। अच्छा। और उसके बाद उसने यहाँ पे भंडारा करा। देखिए, जैसे अभी पंडित रिंकू जी ने बताया कि यहाँ पर बड़ी दूर दूर से लोग बाग यहाँ पर आते हैं, आस्था का मंदिर है, यहाँ पर जो मुरादें मांगते हैं वो पूरी होती है, और यहाँ माता की मूर्ति एकदम साक्षात आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर जो महामाया के नाम से माया के नाम से मूर्ति है, और जो शीतला यहाँ पर जो गाँव है उसका नाम ही सीकरी गाँव है मोदी नगर में, उसी के अंदर जो सीकरी गाँव महामाया मंदिर के नाम से जाना जाता है। और जो JBM TV आपको साक्षात दिखा रही है कि यहाँ पर हमारे साथ रिंकू पंडित जी बैठे हुए हैं, इन्होंने बताया कि और जो इनके जो महंत हैं यहाँ पर जो बड़े वाले गुरुजी हैं उनका क्या नाम है यहाँ पर? हमारे गुरुजी का नाम सुनील भगत जी नाम है उनका। अच्छा, वो कब से सेवा दे रहे हैं यहाँ पर? वे तकरीबन काफ़ी समय से सेवा दे रहे हैं, मेरे को याद नहीं है, तकरीबन 20-25 साल से सेवा दे रहे होंगे, शायद ज़्यादा दे रहे होंगे, पर मेरे को इतना याद है कि 20-22 साल से सेवा दे रहे हैं गुरु जी। चलिए, देखिए 20-22 साल से सेवा दे रहे हैं यहाँ पर जो महान पंडित जी हैं यहाँ पर। और चलिए, हम आपको जल्दी यहाँ पर एक यहाँ पर पेड़ बरगद का जो यहाँ पर कलावा बांधता है उसकी मुरादें पूरी करता है और दिखाते हैं आपको। भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। मंदिर पहुंचने के बाद हम भक्तों से बात कर लेते हैं। आज कैसा यहां पर आप आए, किस लिए आए? हम माता के दर्शन करने, आज हमने अपनी नई गाड़ी ली है उसके। अच्छा। उपलक्ष्य में आए थे माता का आशीर्वाद लेने। अच्छा, तो आप जब भी यहाँ पर कोई मुराद पूरी होती है या फिर मांगने आते हैं तो यहाँ पर जरूर आते हैं जी? प्रसाद चढ़ाने के बाद आपने क्या किया फिर? हाँ जी, बस सारे दर्शन किए भगवान जी के सबके। और कहाँ से आए हम? ये संतपुरा से, संतपुरा से मोदी नगर। चलिए, देखिए संतपुरा से आज इन्होंने नई गाड़ी ली है, इन्होंने गाड़ी के लिए माता से मन्नत मांगी थी, आज इनके घर में गाड़ी आ गई है और सभी माता रानी सबकी मुरादें पूरी करें, बहुत अच्छी बात है। हम आपको अंदर ले चलते हैं, आइए। अब हम सीकरी मंदिर घूमने के बाद यहाँ महामाया मंदिर में घूमने के बाद परिसर में खड़े हैं। यहाँ पर आपको दिखा दें कि यहाँ पे एक बहुत पुराना पेड़ है जो करीबन 450 साल पुराना पेड़ है। यहाँ पर बता दें कि आपको अंग्रेजों ने यहाँ पे क्रांतिकारियों को 450 साल पहले यहाँ पर फांसी से लटकाया था, जब शहीद मंगल पांडे थे तो वहाँ पर उससे पहले का ये पेड़ है, और जब उन्होंने क्रांति शुरू करी थी उससे काफ़ी समय पुराना पेड़ है। यहाँ पर लोग बाग मन्नतें मांगते हैं, उनकी पूरी भी होती है। यहाँ हम आपको दिखा सकते हैं अपने कैमरामैन द्वारा यहाँ पर कि यहाँ पर कितना कलावा लपेटा हुआ है, और देख रहे हैं कि आप यहाँ पर लोगों की सबकी मान्यता पूरी होती है। हाँ, ये बड़ का पेड़ है, आपको बता दें कि इसकी जो जटाएं लटक रही हैं, ये पेड़ को भोले बाबा का नाम दिया जाता है कि भोले बाबा का पेड़ है, और इसी से इन बाबा का प्रसाद बनता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है।
और ये काफ़ी पुराना प्रसिद्ध पेड़ है। यहाँ पर लोग बाग यहाँ पर मन्नत जो मन्नतें मांगने आते हैं और उनकी मन्नतें भी पूरी होती हैं। जय भीम टीवी से राहुल राणा की रिपोर्ट।